हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दी गेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि अभी हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं फॉर द सिविल इंजीनियरिंग आरआरबी जेई सीवीटी 2 के लिए, हाईवे इंजीनियरिंग हमने स्टार्ट किया था। वी हैव डन विद दी थ्री सेशंस टिल नाउ ऑफ दी हाईवे इंजीनियरिंग। वी हैव कंप्लीटेड दी फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दी हाईवे इंजीनियरिंग till now. So today we are going to start with the geometric design of the highway engineering. So before going to that, I have to discuss about that Gate Academy has launched the ebook for the civil engineering CVT 2 that contains the fully solved 4102 questions. The price is nominal, kept nominal, that is only rupee 333. That includes GST. Available on Google ebooks, link in description will be given. So technical and non-technical, both subject wise solve question paper, practice, it also contains the practice questions, and previous year 15 solved papers, that is of 2014, 15 and 19. So if you are interested in practicing the questions of all the RRB till now and the questions which are similar to that which I have asked earlier, that is the questions similar to the previous year questions, so you can visit the Gate Academy's website and you can purchase this ebook or download, and then you can practice. So aapke liye ye bahut hi helpful hoga at this stage to practice the questions jo bhi aapne abhi tak padha hai, उसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है कि हम चीज़ें पढ़ लेते हैं बट विदाउट प्रैक्टिस के वहाँ पे चीज़ें हम भूल जाते हैं। कि जैसे हमने कोई भी चीज़ पढ़ी, ठीक है, पढ़ने के बाद हमने सोचा कि ये चीज़ हमसे बन रही है, बट जब तक हम उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलता है कि वो क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और जब क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व करना है। और सबसे मेन चीज़ प्रैक्टिस में होती है टाइमिंग, कि जब भी क्वेश्चंस आएगा उसका तो कितने टाइम पे हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यू हैव लेस देन अ मिनट फॉर अ क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास एक मिनट से भी कम का समय होता है सॉल्व करने के लिए। सो आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट करें, और वहाँ पे अभी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ये नेविगेट कर सकते हैं और जो भी बुक है उसको देख के अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ़ यू परचेज एंड प्रैक्टिस दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से ही चीज़ें क्लियर होती हैं और प्रैक्टिस करने से ही होगा जो भी आपका सिलेक्शन। सो अपने वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो अभी तक हमने हाईवे इंजीनियरिंग के तीन पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना, तीन पार्ट में हमने जो अपना इंट्रोडक्शन सेशन है उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जिसमें कि हमने सारी चीज़ें बात की हैं कि जो भी हाईवे है उसका कौन कौन से उसमें लेयर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जो जो हाईवे में डेवलपमेंट हुए हैं, क्या कौन कौन से हुए हैं, कब कब हुए हैं, उसके बाद जो 20-year plan है, 320-year plan, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद लेंथ ऑफ डिफरेंट हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, हाउ टू कैलकुलेट दैट, हाउ टू फाइंड आउट दैट। उसके बाद हमने बात की यूटिलिटी वैल्यूज़ की। उसके बाद हमने बात की जो भी सर्वे किए जाते हैं, ठीक है, हाईवे अलाइनमेंट के लिए जो भी सर्वे किए जाते हैं उसकी बात की। तो लास्ट वीडियो में हमने यही बात किया था कि डिफरेंट सर्वे कौन कौन से हैं, लाइक मैप स्टडी, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड डिटेल्ड सर्वे। सो अब आज के इस नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में। ठीक है, जो भी ज्योमेट्रिक डिजाइन है, ठीक है, इस वीडियो इस सीरीज के बारे में आप याद रखेंगे, ये डिटेल्ड नहीं, डिस्कशन नहीं है, ये केवल ऐसा है कि आप पढ़ चुके हैं, आप कहीं पे भी आप ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं पे बैठे हैं, बस आप सुनना चाहते हैं, चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हैं। सो दिस इज़ दी गुड थिंग कि आप इस वीडियो को देख के
जो भी चीज़ें हैं आप रिवाइज कर सकते हैं एक बार, जो आप गो थ्रू हो चुके हैं वहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि जो भी आपने पढ़ा है उसको प्रॉपर तरीके से आप रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के अपने वीडियो पे, आज के अपने डिस्कशन पे। तो आज का अपना डिस्कशन जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक डिजाइन। क्या है अपना, ज्योमेट्रिक डिजाइन। ठीक है, क्या है अपना, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक डिजाइन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि ज्योमेट्रिक डिजाइन में जब हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है ना, किसको, हाईवे को, तो उसमें अपने पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनकी बात करते हैं कि हमें ज्योमेट्रिक डिजाइन में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, तो एलिमेंट क्या क्या होते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या होता है, क्या देखना होता है, जो उसमें क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट क्या होते हैं, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट जो भी होंगे, ठीक है, उसके बाद आती है क्या, साइड डिस्टेंस। उसके बाद क्या है, साइड डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। एंड नेक्स्ट क्या है, वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं कि अपने पास क्या क्या है, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, देन साइड डिस्टेंस, देन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, देन वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में, तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के पहले हमें क्या जानना होता है, बेसिक चीज़ क्या जाननी होती है कि जो पेवमेंट है जिसपे कि व्हीकल मूव करने वाला, ठीक है, जिसपे टायर ऑफ व्हीकल मूव करने वाला है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहिए कि जो भी अपनी पेवमेंट है, जो भी अपनी रोड पेवमेंट है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। ठीक है, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोड पेवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हम देखते हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ निकल के आती है क्या होती है, फ्रिक्शन। फर्स्ट चीज़ क्या निकल के आती है, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन में अगर आप देखेंगे तो एक क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल या फिर रोलिंग फ्रिक्शन। पहला क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल या फिर रोलिंग फ्रिक्शन। वो डायरेक्शन क्या होगी उसकी, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द व्हील। जिस डायरेक्शन में व्हील मूव कर रहा उसी डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन या फिर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ जो होगी, जब एक फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ व्हील, तो दूसरा क्या है, इन द लेटरल डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम, लेटरल फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम, लेटरल फ्रिक्शन। तो इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं, जो पहला अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्या है अपना, लॉन्गिट्यूडनल, फर्स्ट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन या फिर रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडनल और रोलिंग फ्रिक्शन में अगर हम देखते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि जो भी डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ व्हीकल, यानी कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। मतलब अगर अपनी ये रोड सरफेस है, ठीक है, ये अपना व्हील है, ठीक है ना, व्हील का मूवमेंट मान लो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जो इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो लग रहा है फ्रिक्शन, वही क्या होगा, एफ लॉन्गिट्यूडनल, क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होगा। ठीक है, द फ्रिक्शन विच एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ व्हीकल, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है, या फिर रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये इसका पर्पज क्या होता है, ये क्या करता है, इट सपोर्ट्स द मूवमेंट ऑफ व्हीकल। जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है, टायर मूव कर रहा है, उसको सपोर्ट कौन करता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन या फिर
रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये अगर इसका एक और पॉइंट देखेंगे तो क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट व्हाट, इट सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ व्हीकल, इट सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो इसमें ट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है ना, तो ये जो ट्रैक्शन फोर्स लगता है उसके रेजिस्टेंस से क्या होता है, ये जनरेट होता है, ठीक है ना। जो ये फ्रिक्शन जनरेट होता है, इट जनरेट एज दी रेजिस्टिव फोर्स टू दी ट्रैक्शन फोर्स। जो भी ट्रैक्शन फोर्स लगता है उसके रेजिस्टेंस में जो भी फ्रिक्शन होता है वो कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है, ठीक है। इसके में नेक्स्ट पॉइंट क्या रखना है कि एज पर IRC, ठीक है ना, एज पर IRC रिकमेंडेशन, एज पर IRC रिकमेंडेशन जो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना, एफ की वैल्यू जो होती है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0.35 से लेके 0.40 के बीच होती है, ठीक है ना। जो एफ लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू जो होती है, फ्रिक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.35 से 0.40, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या अपना कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एफ, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एफ एफ दैट इज दी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो अपना फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ व्हीकल में, किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ व्हीकल में। अगर हम बात करते हैं तो डिपेंड किस पे करेगा, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो अगर हम सेम तरीके से देखते हैं कैसे डिपेंड करेगा, जैसे कि अपनी क्या होगी, स्पीड ऑफ व्हीकल बढ़ेगी, जैसे ऐसे स्पीड ऑफ व्हीकल बढ़ेगी, ठीक है। ये अपना पेवमेंट है, ये अपना व्हील है, तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी, जैसे जैसे क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, जैसे जैसे ये स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना, ये रोलिंग स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे ये रोलिंग स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट एरिया क्या होगा, जो अपना कॉन्टैक्ट एरिया है, क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन किसके किसके, टायर एंड रोड सरफेस, टायर एंड रोड सरफेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे कॉन्टैक्ट एरिया अगर डिक्रीज होगा तो जो फ्रिक्शन है वो किस पे लग रहा है, कॉन्टैक्ट एरिया पे लग रहा, जो कॉन्टैक्ट एरिया है किसके किसके बीच में, ये टायर एंड रोड के बीच में, ये जो टायर एंड रोड के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया है यहीं पे फ्रिक्शन लग रहा, ठीक है ना, फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा वो यहीं पे एक्ट कर रहा, ठीक है। तो अगर ये कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, क्या हो रहा, ये कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, ठीक है। तो अगर कॉन्टैक्ट एरिया डिक्रीज होगा, अगर स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, स्पीड बढ़ने से क्या हुआ, कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टायर एंड रोड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसके कारण क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि जो भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, जो भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, जो कॉन्टैक्ट एरिया है बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस, तो अगर वो डिक्रीज होगा तो अपना फ्रिक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि जो अपना लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है, ठीक है, ये टायर पे भी डिपेंड करता है। पहली चीज तो किस पे डिपेंड किया, ये स्पीड ऑफ व्हीकल पे डिपेंड किया, किस पे डिपेंड किया, स्पीड ऑफ, किस पे डिपेंड किया, ये स्पीड ऑफ व्हीकल पे। स्पीड अगर ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टायर एंड रोड क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा, तो जो अपना फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये पहला फैक्टर था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि स्मूथ टायर, ठीक है ना, एक होता है स्मूथ टायर, ठीक है, एक होता है न्यू टायर, ठीक है ना, एक हो गया स्मूथ टायर जो कि यूज हो चुका है, मतलब वो स्मूथ है,
स्मूथ टायर और दूसरा क्या है, न्यू टायर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्मूथ टायर एंड न्यू टायर के बारे में, ठीक है, इसमें डिफरेंस की मतलब किसमें लेटरल फ्रिक्शन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। अब ये डिपेंड करेगा किसमें, कि टायर तो ठीक है डिफरेंट हो गया है, एक में क्या है स्मूथ टायर है, दूसरे में क्या है न्यू टायर है। एक में क्या है स्मूथ टायर है, दूसरे में क्या है न्यू टायर है। ठीक है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा, जो क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया किसके किसके बीच में है, जो अपना ये टायर है और उसके नीचे क्या है ये पेवमेंट है। ठीक है, तो ये क्या है कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टायर एंड पेवमेंट। ठीक है, तो जो भी फ्रिक्शन है वो डिपेंड किस किस पे करेगा, टायर कंडीशन एंड पेवमेंट कंडीशन, टायर कंडीशन एंड पेवमेंट कंडीशन दोनों पे डिपेंड करेगा, टायर एंड पेवमेंट। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करेगा क्या, फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि जो पेवमेंट है वो क्या है ड्राई है, पेवमेंट क्या है ड्राई है, ड्राई पेवमेंट है। ठीक है, तो ड्राई पेवमेंट के केस में जो स्मूथ टायर है और न्यू टायर, ठीक है, तो स्मूथ टायर क्या है, स्मूथ टायर ऑफर्स हायर फ्रिक्शन फैक्टर देन दी न्यू टायर। ठीक है ना, मतलब स्मूथ टायर का क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा न्यू टायर के कंपैरिजन। ठीक है ना, मतलब एज कंपेयर टू न्यू टायर द फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाई स्मूथ टायर विल बी हायर इन दी ड्राई पेवमेंट कंडीशन। ठीक है ना, जब पेवमेंट क्या होगी ड्राई होगी, तो जो स्मूथ टायर है उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है, आप खुद सोचो कि ये अपनी अभी क्या है रोड क्या है ड्राई है, सूखी हुई है, कोई भी पानी नहीं है। एक ये पुराना टायर है जो कि यूज हो चुका है, स्मूथ टायर है। एक क्या है यहाँ पे न्यू टायर है, यहाँ पे ये न्यू टायर हो गया। तो इस जो पुराना टायर होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा घिस जाता है, क्या होता है घिस जाता है, तो चिकना हो जाता है, मतलब कि जो सरफेस है वो स्मूथ हो चुकी है। ठीक है, लेकिन जो न्यू टायर है उसमें जो भी चीजें बनी है साइड में वो घिसती नहीं है। तो जो मेन चीज क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया। अभी अभी हमने देखा कि अगर कॉन्टैक्ट एरिया, जो कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टायर एंड रोड, जो कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टायर एंड रोड क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो कोफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखें क्या है, स्मूथ है, स्मूथ है, तो क्या होगा इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया, जो मतलब रोड से जो टच होगा, ये रोड है ये व्हील है, स्मूथ है अगर, तो उसका जो ज़्यादा टच होगा पार्ट क्या होगा, कॉन्टैक्ट एरिया क्या होगा ज़्यादा होगा। वही जब न्यू टायर होगा तो उसका कॉन्टैक्ट एरिया क्या होगा कम होगा। तो स्मूथ टायर में कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा, तो कोफिशियंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन ज़्यादा, लेकिन न्यू टायर में कोफिशियंट, सॉरी कॉन्टैक्ट एरिया कम, तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी कम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद अगर हम बात करेंगे किस चीज़ की बात करने वाले, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि पेमेंट कैसी है, वेट है, पेमेंट कैसी है वेट, अगर पेमेंट अपनी कैसी है वेट पेमेंट है। ठीक है, अगर पेमेंट अपनी क्या है वेट है। ठीक है, तो वेट पेमेंट के केस में क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर पेमेंट क्या है वेट है, अगर पेमेंट वेट पेमेंट है, तो इसमें चीजें क्या हो जाएंगी, जस्ट अपोजिट, स्मूथ टायर में कम हो जाएगा, न्यू टायर में ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब पेमेंट वेट होगी तो जो कॉन्टैक्ट एरिया किसका होता है, स्मूथ टायर का, वो कम हो जाता है। ठीक है, बट जो कॉन्टैक्ट एरिया न्यू टायर का वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें तो क्या हो जाएगा, स्मूथ टायर ऑफर्स हायर फ्रिक्शन फैक्टर देन दी न्यू टायर ऑन दी ड्राई पेमेंट ड्यू टू लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, वेयर एज ऑन वेट पेमेंट कंडीशन इज रिवर्स बिकॉज वाटर एक्ट एज लुब्रिकेटिंग एजेंट। ठीक है ना, क्यों, अभी इस केस में क्या हुआ, ये देखो, इस केस में क्या था, ये हम समझ चुके हैं कि न्यू टायर एंड स्मूथ टायर में क्या अंतर है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि जब अपने पास ये वेट है तो यहाँ पे वाटर लुब्रिकेटिंग की तरह काम करेगा, तो ये अपना क्या है स्मूथ है, तो स्मूथ में जब वाटर लुब्रिकेटिंग की तरह काम करेगा तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एरिया है, ठीक
कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया, लेकिन यहीं पे जो न्यू टायर है, यहीं पे न्यू टायर है तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बने हुए, ठीक है ना, ये साइड में आपको ये दिखता हूँ। तो जब यहाँ पे लुब्रिकेट ये बीच में चला गया, ये बीच में चला गया, ये, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो एज कम्पेयर टू स्मूथ टायर, जो कॉन्टैक्ट एरिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों केस में अगर आप देखेंगे, पहले केस में ड्राई पेवमेंट में स्मूथ टायर का कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा, तो कोफिशियंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन ज़्यादा। सेकेंड केस में वेट पेवमेंट में वाटर लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, इसलिए क्या हो जाता है कि उसमें जो कॉन्टैक्ट एरिया है कम हो जाता है, उसके कारण कोफिशियंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। अब अभी ये क्या था, कोफिशियंट ऑफ लेटरल मतलब पहला फ्रिक्शन था कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल या फिर रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद जो सेकेंड आता है, जो सेकेंड फ्रिक्शन है वो क्या है, वो ए पार्ट था। बी पार्ट अगर हम बात करते हैं तो बी होता है अपना लेटरल फ्रिक्शन। ठीक है, क्या बात करते हैं, हम लेटरल फ्रिक्शन की बात करते हैं, ठीक। तो लेटरल फ्रिक्शन अभी क्या होता कि जो फ्रिक्शन था इन द डायरेक्शन ऑफ द व्हील लग रहा था, जिस व्हील में मूवमेंट कर रहा था, इन डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ व्हील, तो क्या था, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। अब लेटरल क्या होगा, इन द परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ द व्हील, वो क्या हो जाएगा, लेटरल फ्रिक्शन, ठीक है ना। लेटरल फ्रिक्शन कम्स इन पिक्चर, पिक्चर में कब आता, जब ओनली व्हेन ओनली देयर इज लेटरल फोर्स ऑन व्हीकल, जब फोर्स में, जब व्हीकल में कोई लेटरल फोर्स होगा तभी वहां पे लेटरल फ्रिक्शन आएगा। अगर ये व्हीकल अपना मूव कर रहा है, ठीक है, ये है अपनी रोड सरफेस मान लो, अब यहाँ पे व्हीकल मूव कर रहा है, अगर इस पे कोई भी लेटरल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है तो ये नहीं लगेगा, केवल कौन सा लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो जब तक इसमें कोई भी लेटरल फोर्स नहीं आएगा तब तक ये पिक्चर में नहीं आता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एच पर आई आर सी, जैसे उसकी वैल्यू कितनी थी, 0.35 से 0.40, तो एच पर आई आर सी एफ लेटरल इज 0.15, एफ लेटरल इज 0.15 एच पर इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। तो एच पर आई आर सी जो एफ लेटरल की वैल्यू कितनी है, 0.15, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कहीं पे आपको 1 भी मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम दो चीजें पहली चीज हमने बात की फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है ना, अभी हम पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो पहली चीज हमने बात कर ली फ्रिक्शन के बारे में। जो सेकेंड चीज है वो क्या है, स्किड एंड स्लिप। ये एक ऐसा फिनोमिना है, ऐसी टर्म है जिसमें कि लगभग ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक है, तो गाड़ी जब अपना हम ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी क्या हो जाती है, मूव करती है, मूव इन द सेंस कि जो उसमें लेटरल मूवमेंट है वो होता है, बट जो रोलिंग है वो नहीं होता, मतलब ट्रांसलेशन मूवमेंट होता है, ट्रांसलेशन होता है बट रोटेशनल मूवमेंट नहीं होता, तो हम क्या बोलते रहते हैं, ये क्या है, हमारी गाड़ी स्लिप हो गई, बट ये क्या है, गलत टर्म है, वो क्या है, स्किड है, वो क्या है, स्किड है, ठीक है। और स्लिप क्या है, जैसे आपने कहाँ पे देखा होगा, खेत में देखा होगा, जैसे कि हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब ट्रैक्टर क्या होता है, जब वहां पे मिट्टी पूरी गीली हो जाती है, मिट्टी क्या हो जाती है, पूरी गीली हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हम गाड़ी को, ट्रैक्टर को एक्सेलरेट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो क्या होता है कि वो वहीं पे ऐसे पहिए मूव कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, मतलब रोटेशनल मोशन होता है बट ट्रांसलेशन बहुत कम होता है, मतलब इन द केस व्हेन रोटेशनल मोशन इज मोर देन ट्रांसलेशन मोशन, वो कौन सा केस हो गया, कि जब हम ट्रैक्टर का वाला केस याद कर रहे हैं, कहाँ पे, खेत पे जहाँ पे पूरी मिट्टी गीली है, तो उसको हम बोलते हैं स्लिप। और जो अभी गाड़ी वाला केस था उस पे क्या था कि हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से क्या हुआ कि गाड़ी स्किड हुई, मतलब गाड़ी आगे की ओर गई बट रोटेशनल मोमेंट नहीं हुआ, तो जहाँ पे रोटेशनल मोमेंट इज लेस देन द ट्रांसलेशन मोमेंट, ठीक है ना, रोटेशनल मोमेंट क्या है, ट्रांसलेशन मोमेंट से कम है, तो क्या हो जाएगा, स्किड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंपल देखना चाहें तो क्या होगा, ये अपना कोई भी ये व्हील है,
ये अपना पेवमेंट है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपना रोटे, ये मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर हम बात करते तो ये कैसा, ये कौन सा मूवमेंट है, रोटेशनल मूवमेंट, ये कौन सा है, ये क्या हो गया, रोटेशनल मूवमेंट, सबको पता ये क्या है, रोटेशनल और इधर आगे की ओर ये क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन मूवमेंट। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला, फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट क्या है, ए ए अगर हम बात करते हैं स्किड, तो स्किड मैंने क्या बताया, क्या याद रखेंगे, बाइक वाला केस, तो क्या हो जाएगा, स्किड क्या होगा, ड्यूरिंग ड्यूरिंग ब्रेक, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक के टाइम पे क्या होता है, जो ट्रांसलेशन मूवमेंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट इज लेस देन ट्रांसलेशन मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट इज लेस देन ट्रांसलेशन मूवमेंट, तो क्या हो जाएगा, ये अपना स्किड हो जाएगा, बाइक केस याद रखेंगे। दूसरा क्या है, स्लिप, स्लिप में क्या याद रखेंगे, खेत वाला केस, ट्रैक्टर, तो क्या होता है ये, ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस केस में क्या होता है, जो रोटेशनल मूवमेंट होता है रोटेशनल मूवमेंट इज ग्रेटर देन ट्रांसलेशन मूवमेंट, ठीक है। तो याद रखेंगे आप कि स्किड और स्लिप में क्या अंतर होगा, जो हम जनरल टर्म बाइक के लिए यूज करते हैं स्लिप, दैट इज द जनरल, बट एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, स्किड है, एंड जब रोटेशनल मूवमेंट ज्यादा है, ट्रांसलेशन कम है, देन क्या है, स्लिप है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, स्टे हेल्दी, प्रिपेयर वेल, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।